मैं कक्षा सातवीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नवरात्रि माँ दुर्गा की बहन होती है, जिसमें इन्होंने महिषासुर के साथ सभी देवताओं की भलाई के लिए युद्ध किया था और फिर अंत में उनका वध किया था। माँ दुर्गा दुष्टों को नष्ट करने के लिए और अपने भक्तों को वरदान देने के लिए जानी जाती है। पर कुछ लोग ये नहीं जानते हैं कि महिषासुर कौन था और माता रानी ने उनका वध किस तरह किया था। इसलिए आज मैं आपके सामने यह कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिस कारण महिषासुर का वध हुआ। रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो कि अत्यंत शक्तिशाली था। उसकी उत्पत्ति पुरुष और महिषी यानी भैंस के संयोग से हुई थी, इसलिए उसे महिषासुर कहा गया। अमर होने की इच्छा से उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए अनेक यज्ञ और महिषासुर के तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर महिषासुर से बोले, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? महिषासुर ने ब्रह्मा जी से कहा, अमर होने का वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, एक मृत्यु को छोड़ के जो भी तुम मांगना चाहो वह मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूँ। फिर महिषासुर ने बहुत सोचा, फिर कहा, ठीक है, आप मुझे मानव और असुर के हाथ से मेरी मृत्यु ना हो, आप किसी भी स्त्री के हाथों मेरी मृत्यु प्रदान करें। ब्रह्मा जी तथास्तु कह के अपने लोक चले गए। वरदान पाकर महिषासुर फिर समस्त दैत्यों का अधिपति बन गया। वह तीनों लोगों का अधिपति बन गया। फिर सभी देवताओं ने मिलकर आदिशक्ति का आह्वान किया और माँ भवानी उनके आह्वान से खुश होकर उन्हें महिषासुर के भय से आश्वासन दिया। फिर माँ दुर्गा और महिषासुर के अनेक असुरों के साथ भयंकर युद्ध छिड़ा और उनके एक एक लोग मारे गए। फिर महिषासुर ने अलग अलग मायावी रूप बनाकर देवी को मारने की चाल चली, पर लेकिन वह विफल रह गया। महिषासुर फिर माँ दुर्गा ने अपनी मायावी चाल चलकर महिषासुर का मस्तिष्क काट दिया। यह कहते हैं कि माता कात्यायनी को जो सभी देवताओं ने हथियार दिए थे, उन्हीं हथियारों से महिषासुर का वध हुआ था। तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि माँ दुर्गा ने सभी देवताओं को विजयी दिलवाई। अतः दुर्गा पूजा अच्छा बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है और नौ नवरात्रि ये एक संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ है नौ दिन रात नवरात्रि और यह नौ देवियां हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धार्थी आदि की पूजा की जाती है। यह असम, बिहार, पटना, त्रिपुरा, मणिपुर, पश्चिम बंगाल सब जगह अलग अलग ढंग से बनाया जाता है और यह गुजरात में अलग तरह से बनाया जाता है। ये बहुत बड़े पैमाने में बनाया जाता है। गुजरात में गरबा और डांडिया भी खेली जाती है। गरबा आरती से पूर्व किया जाता है और डांडिया आरती के पश्चात खेला जाता है। धन्यवाद, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक